Planet Bollywood. रणबीर ऐश्वर्या के साथ ए दिल है मुश्किल में कर रहे हैं रोमांस। अपने से 9 साल बड़ी ऐश्वर्या के साथ रणबीर की हॉट केमिस्ट्री की चर्चा हर जगह हो रही है। रणबीर का खुद से बड़ी ऐश को रोमांस करना ट्रेलर में ही खूब पसंद किया जा रहा है, लेकिन क्या यंग एक्टर और ओल्डर एक्ट्रेस का ये रोमांस बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा पाएगा? क्योंकि जब जब सिल्वर स्क्रीन पर कोई यंग बॉलीवुड एक्टर अपने से बड़ी एक्ट्रेस के साथ आया है तो एक दो फिल्म को छोड़ के देखा जाए तो सभी फिल्म्स फ्लॉप ही रही हैं। अर्जुन कपूर और करीना कपूर की फिल्म की एंड का को ही देख लीजिए। अर्जुन ने करीना के साथ रोमांटिक सीन्स भी दिए थे और अपने से 5 साल बड़ी करीना को स्मूच करने से भी पीछे नहीं रहे थे। बावजूद इसके ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। आदित्य रॉय कपूर ने भी इससे पहले कटरीना को रोमांस किया। दोनों में 3 साल का एज डिफरेंस था और शायद इसीलिए रियल लाइफ में कटरीना के प्यार का फितूर आदित्य पर चढ़ा तो जरूर था, मगर बात कुछ बनी नहीं थी। इसी तरह इमरान और करीना भी जब फिल्म एक मैं और एक तू में एक दूसरे के साथ रोमांस करते दिखे तो फिल्म का बैंड बज गया। वैसे 34 साल की प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म गुंडे में अपने से 3 साल छोटे एक्टर्स रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर के साथ रोमांटिक होने की कोशिश की थी और इसे भी ऑडियंस की डिसलाइक ही मिली थी। सिर्फ यही नहीं, सालों पहले किस्मत कनेक्शन में अपने से बड़ी एक्ट्रेस विद्या बालन के साथ शाहिद की केमिस्ट्री बिल्कुल रास नहीं आई थी। इसके अलावा कई और फिल्में आई और गई जिनमें बॉलीवुड हीरोज को उनसे ओल्डर एक्ट्रेसेस के साथ पेयर किया गया, लेकिन शायद कुछ फिल्म्स ही ऐसी होंगी जिनमें इस तरह की जोड़ियों को थम्स अप मिला होगा। बट मस्ट से कि रणबीर कपूर इस मामले में थोड़े ज्यादा लकी रहे हैं। रणबीर का रिकॉर्ड देखा जाए तो चाहे 4 साल बड़ी बिपाशा उनके ऑपोजिट हो या फिर वेक अप सिड में कोंकणा, नरगिस फाकरी हो या फिर स्पेशल सॉन्ग में 49 इयर्स की माधुरी दीक्षित के साथ स्क्रीन शेयर करना, रणबीर हमेशा ही अपने से ओल्डर हीरोइन के साथ जचे हैं। तो क्या रणबीर एक बार फिर इसी फॉर्मूले पर चलकर 9 साल बड़ी ऐश को रोमांस कर वापस से बॉलीवुड में वही रुतबा और पोजीशन पाना चाहते हैं? वाल ये तो फिल्म रिलीज के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि फिल्म रिलीज से पहले ही रणबीर ऐश की सिजलिंग जोड़ी ने ऑडियंस पर अपना जादू चला दिया है और करण जौहर के साथ साथ रणबीर को भी अपनी इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।